मैं सांची का स्तूप बोल रहा हूँ। मैं बौद्ध स्मारकों में सबसे पुराने स्मारकों में से एक हूँ। मैं वही स्मारक हूँ जिसको यूनेस्को ने 1989 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। मैं स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की धरती मध्य प्रदेश में स्थित हूँ। मैं वही स्मारक हूँ जिसे महान स्तूप या स्तूप संख्या 1 के रूप में जाना जाता है। मैं भारत की सबसे अच्छी तरह से संरक्षित और अध्ययन किए गए बौद्ध स्थलों में से एक हूँ। मैं मध्य प्रदेश के सांची शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित हूँ और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूँ। मैं पूर्व और पश्चिम में 17 मील और उत्तर और दक्षिण में लगभग 10 मील तक फैला हुआ हूँ। साइट पर कई स्तूप हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मैं सांची स्तूप, जिसे महान स्तूप भी कहा जाता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने महान स्तूप का निर्माण करवाया था। इसमें बुद्ध और उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों के पवित्र अवशेष या राख रखी है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में चार दिशाओं का सामना करने वाले चार सजावटी प्रवेश द्वार और स्तूप को घेरने वाली एक रेलिंग का निर्माण किया गया था। मैं दुनिया भर में सैकड़ों लोगों को एक स्तूप के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में आकर्षित करता हूँ। और 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक बौद्ध कला और मूर्तिकला के विकास का एक उत्कृष्ट संकेत देता हूँ। मैं मध्य भारत में सबसे अच्छे संरक्षित प्राचीन स्तूप में से एक हूँ, जिसे 1989 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। अब यदि मेरे इतिहास की बात करें तो भारत के महानतम शासकों में से एक मौर्य वंश के संस्थापक अशोक ने मेरी आधारशिला रखी थी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने भगवान बुद्ध की नश्वर हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए मेरे निर्माण का आदेश दिया। मेरे विशाल गोलार्ध का गुंबद 54 फीट लंबा है और इसमें बुद्ध के अवशेष युक्त एक केंद्रीय कक्ष है। वर्तमान में मैं एक गोलाकार इमारत जिसका व्यास दोहरा है। मेरा निर्माण अशोक की पत्नी रानी देवी और उनकी बेटी विदिशा की देखरेख में किया गया था। साइट पे अशोक के शिष्म एडिक्ट के शिलालेखों के साथ एक बलुआ पत्थर का स्तंभ भी है। साथ ही अलंकृत सर्पिल ब्राह्मणी वर्ण शंख के समान है, जिन्हें शंख लिपि के नाम से जाना जाता है। मेरे वास्तुकला का निचला हिस्सा अभी भी जमीन पर है, जबकि उच्च भाग छत्र से ढका हुआ है। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी और शुंग राजवंश का गठन किया। माना जाता है कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग राजवंश के शासनकाल के दौरान मेरे को ध्वस्त कर दिया गया था। उनके पुत्र अग्निमित्र ने बाद में मेरा पुनर्निर्माण करवाया। शुंग राजवंश के शासन के दौरान मैं अपने मूल आयामों से आकार में लगभग दोगुना हो गया था। एक बार चपटा गुम्बद बनाया गया था, जिसमें असली ईंट स्तूप को ढकने वाले पत्थर के स्लैब थे। गुम्बद के ऊपर तीन छत्र जैसी संरचनाएं मढ़वाई गई थी, जो धर्म के कानून के पहिए के प्रतीक हैं। गुम्बद की सीट एक लंबा गोलाकार ड्रम है, जिसे एक डबल सीढ़ी के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अगर मेरी वास्तुकला की बात की जाए तो मेरे में बौद्ध स्थापत्य शैली देखी जा सकती है। मैं देश में मेरे तरह के स्तूप का सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। मेरी ऊंचाई 54 फीट और व्यास 120 फीट है। मुख्य निर्माण एक बुनियादी डिजाइन के साथ एक गोलार्ध का गुंबद है। गुंबद एक नींव द्वारा समर्थित है, जिसमें एक अवशेष कक्ष है। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार गुंबद को कथित तौर पर भगवान बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बनाया गया था। यही कारण है कि कलाकृतियों की रक्षा के लिए तीन छत्रियां यानी छाता जैसी संरचनाएं जोड़ी गई। माना जाता है कि तीन संरचनाएं त्रिंथा या बौद्ध धर्म की तीन रत्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बौद्ध धर्म और संघ छत्रियों को एक विशाल केंद्र स्तंभ द्वारा समर्थित किया गया है। मेरी रेलिंग किसी भी कलात्मक सजावट से रहित है। ये रेलिंग केवल मूल पत्थर है, जिन पर समर्पित शिलालेख हैं। चार अलंकृत औपचारिक द्वार चार दिशाओं में से प्रत्येक का सामना करते हैं। ये औपचारिक द्वार जातक कथाओं, बुद्ध के जीवन की घटनाओं, प्रारंभिक बौद्ध काल के दृश्यों और विभिन्न शुभ प्रतीकों के दृश्यों के साथ घेरे गए हैं। मेरे तथ्य दुनिया भर के इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। महान स्तूप
महान स्थापना से लेकर आज तक कई बदलावों से गुजरा है। मेरे कुछ आकर्षक तथ्य और पहलू हैं जिसमें प्रमुख है। पहला स्तूप सांची में बनवाया गया था जब सम्राट ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसके बाद के वर्षों में कई और स्तूप बनवाए गए थे। इसके बारे में 14वीं शताब्दी में 1818 तक जब जनरल टेनर ने बताया, 1919 में सर जॉन मार्शल ने सांची संग्रहालय की स्थापना की जिसे वर्तमान में एक पुरातत्विक संग्रहालय माना जाता है। मेरे स्तंभ पर अशोक का शिलालेख शिश्म शिलालेख है जिसमें गुप्तकाल की सजावटी शंख लिपि में बहुत सारे शिलालेख हैं। आपको बता दूं, मैं भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना हूं। मेरे में ब्राह्मी शिलालेख बहुतायत में देखे जा सकते हैं। मैं वर्तमान में 36.5 मीटर परिधि और 21.64 मीटर लंबा हूं। मैं अशोक स्तंभ का भी घर हूं जिसमें 4 शेर हैं। इन स्तंभों में ग्रीको बौद्ध शैली है। अगर आप मेरे यहाँ घूमने का विचार कर रहे हैं तो आपको बता दूं, मेरे यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक है क्योंकि गर्मियों के दौरान मौसम सुहावना रहता है। मानसून के दौरान सांची का दौरा करना भी एक शानदार अनुभव है। हालांकि उसमें फिर शहर के चारों ओर घूमना कठिन हो सकता है। सांची स्तूप सूर्योदय से शाम तक खुला रहता है। अब बात करते हैं मेरे तक कैसे पहुंच सकते हैं। बात करें तो यात्री भोपाल से सांची स्तूप परिसर के लिए कैब लेना पसंद करते हैं क्योंकि यह शहर के नजदीक है। अगर आप हवाई यात्रा करके यहां तक पहुंचना चाहते हैं तो भोपाल में राजा भोज हवाई अड्डा सांची का निकटतम हवाई अड्डा है। अगर आप रेलवे से यात्रा करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा विकल्प है। सांची को अपने स्वयं के रेलवे स्टेशन सांची रेलवे स्टेशन द्वारा पहुंचा जा सकता है जो देश के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सांची रेलवे स्टेशन सांची स्तूप से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यही अगर निकटतम बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ का सबसे निकटतम बस स्टैंड रायसेन बस स्टैंड है। दोस्तों, ये थे ऐतिहासिक स्मारक सांची के स्तूप के बारे में संक्षिप्त जानकारी जिसको इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाया। अगर आपको कभी मध्य प्रदेश जाने का मौका मिले तो आप यहाँ जरूर जाकर आइएगा। यहाँ आपको अपनी प्राचीन कला को निकट से जानने का अवसर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही और भी मजेदार और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको निरंतर अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।